धाम प्रभु श्री राम जी की पवित्र धरती पर 11 नवंबर 2023 को भव्य दीप अलौकिक दीप उत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी देशवासियों प्रभु श्री राम जी की अवध नगरी में आप सभी को हार्दिक बधाई स्वागत और आप सभी को सादर आमंत्रित। सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो हमें प्रकृति से मिलती है और हम उसके माध्यम से कम प्रदूषण करके पर्यावरण को संरक्षण देते हुए हम प्रकाशमय दीपावली को मनाने में सफल होते हैं। दीपावली के साथ साथ हमारी दैनिक जरूरतें सौर ऊर्जा के माध्यम से हम पूरी कर सकते हैं। सौर पैनल जो 1 किलोवाट का लगभग 4 यूनिट बिजली बनाता है और ये बिजली हम अपने रोज़मर्रा के उपयोग में ला सकते हैं। अगर किसी कारण से बादल हैं या धूप नहीं निकली मगर अगर तापमान वातावरण का लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तब भी हमारे सूर्य की तापमान की तरह सोलर पैनल चार्ज हो जाते हैं और ये चार्ज होने के बाद 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगभग 4 यूनिट जो हमें बत्ती इकट्ठा करके देता है इलेक्ट्रिसिटी तरह से तैयारियां चल रही है उसके बारे में उन्होंने कहा तेजी के साथ अयोध्या धाम विकास कर रहा है और 11 नवंबर 2023 से दो तीन दिन रह गया है दीप उत्सव के लिए या अयोध्या की धरती पर भव्य सुंदर यहां पर प्रभु श्री राम जी के नगरी में भव्य दीप उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं जैसा कि अयोध्या वासी आप सभी को या सादर आमंत्रित करते हैं। आप सभी लोग दीप उत्सव में आइए और इसका जो है अपने देश की आन बान शान और देश की सनातन धर्म की परंपरा को वर्षों लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले या मनाए गए हम सभी की खुशियों का यह संदेश है और हम सभी लोग पिछले 6 वर्षों से जिस तरह से अयोध्या धाम में या जगमगाहट चारों तरफ चमकता दमकता या चारों दिशाओं में आपको दिखाई दे रहा है अयोध्या धाम की खास आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं रोड पर हूँ और दिन रात काम हो रहा है तेजी के साथ या कार्य किया जा रहा है या शहादतगंज का मार्ग है या कचहरी की तरफ जाता है अयोध्या के मार्ग पर जाता है तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या धाम में विकास ही विकास चारों तरफ हो रहा है चाहे छोटी मार्ग हो या बड़ी मार्ग हो सभी जगह डेवलप ही डेवलप किया जा रहा है। तो खास रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं शहादतगंज रोड तो आज या खास रिपोर्टिंग ताज़ा रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं सड़कों को मरम्मत और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है लगातार तेजी के साथ बन रहा है। तो यह खास रिपोर्ट में जिस तरह से देखते हैं कि लगातार अयोध्या से हम सभी अयोध्या वासियों के